भूदीप देवोपस्थम कर्म साक्षी अभिलिखित स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। नवीन विद्यालय में आपने कार्यभार ग्रहण किया, इसलिए तो हम संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना समस्त सर्वस्व न्योछावर करके हम सबको कुछ न कुछ सिखाया। छात्रों को तो सिखाया ही है क्योंकि तो वो तो हमारा प्रमुख कर्म है, लेकिन उनके साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक कार्य योजना कैसे बनाई जाती है, मैनेजमेंट प्रधानाध्यापक का जो दायित्व होता है विद्यालय का मैनेज करना, उसे कैसे चलाना शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि विद्यालय पढ़ा कोई भी देगा, पढ़ा हर कोई सकता है, लेकिन हाँ कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए मनोविज्ञान के हिसाब से, क्या बच्चा सोचता है इसकी प्लानिंग करके चलना, मनोविज्ञान हम सब ने पेडागोजी के अनुसार कक्षा में शिक्षण करना, व्यक्तिगत रूप से हम सब ने, मैंने, हमारे समस्त स्टाफ ने सर के साथ सीखा और हमारे छात्रों ने भी कई आयाम स्थापित किए। इस बीच में आप अच्छे से जानते हैं कि हमने सर के नेतृत्व में ही स्टेट लेवल हम लोगों की टीम गई, खो खो में, कबड्डी में, हम लोग गेम्स में अनवरत आगे बढ़ते गए, कई आयाम हमने स्थापित किए। आपके सानिध्य में जो हमें और आगे कुछ सीखना था वो कुछ छूट गया है। आशा करते हैं कि आप समय 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 पर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप बहुमुखी आयाम के क्योंकि भंडारी गुरुजी बढ़िया लग रहा था। हम छा तुम्हें महान विभूति गुरु न मान्य गुरुजी, क्योंकि तुम छा शिक्षक हम छा विद्यार्थी। यार तुम्हारी रोज वाली दूसरे स्कूल का बच्चों ते पढ़ाया, आशा वाली कभी स्कूल में फिर आए। हमारा पुराना स्कूल का बगीचा में खिलौना फूल तुम्हारी रोज ओली, क्योंकि हमारा गुज इच्छा सदैव रोला देखी मिलला हाथ जोड़ला। उनकी विदाई हो रही है, उससे हमें बहुत दुख है कि वह इस स्कूल से विदा होने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था एवं सभी जो पढ़ाई में वीक थे उन्हें अच्छे से पढ़ाया था उन्हें, और हमें बहुत कुछ सिखाया। यहाँ के सारे पौधे उन्होंने लगाए एवं यहाँ के सारे काम हमें सिखाए, तो मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर जहाँ भी जाएं वहाँ सभी को अच्छे से सिखाएं और अच्छे से रहें। धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सारे अध्यापकों का सहयोग करते रहेंगे, इसी तरह इस प्रकार यहाँ पर आप हमारे साथ हैं। हमें बहुत दुख भी है, पर क्या करें, अगर हम हमारा तो फर्ज है हमको विदा करना। जैसा कि जब मैं यहाँ पे आई थी ना मेरे पास टीसी थी ना मेरे पास कुछ था, पर मेरे प्रिंसिपल सर ने फिर भी मेरे को एडमिशन दिया। अगर आज वो मेरे को एडमिशन नहीं देते तो आज मैं इस मंच पे ना होती। आज उनके चक्कर में मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ कि मैं इस मंच पर आने की हिम्मत करती हूँ। उनके चक्कर में पहले मुझे हिंदी पढ़ने भी नहीं आती थी, इंग्लिश, जैसे कि मेरे रावत सर, भंडारी सर, अन्नेली सर, इनके वजह से हम बहुत आगे जा चुके हैं। मेरे को हिंदी पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर मेरे भंडारी सर ने मुझे हिंदी पढ़ाना सिखाई। बल्कि मैं उन्हें हमें मारा होगा, डांटा होगा, पर समझाया होगा, उन्हें हमारी भलाई के लिए किया होगा। हम वो कहीं भी जाए हमारी इतनी अपेक्षा रहेगी कि हर जगह सुखी रहेगी। और
वो जिस विद्यालय में भी जाए जैसा प्यार हम उनने हमको दिया है वैसा ही प्यार उन बच्चों को भी दे और धन्यवाद। और उन कार्यक्रमों से लगा कि चाहे आप शिक्षा से हट करके दूसरे कार्यक्रमों में जब आप अपने सेवाएं दे रहे थे तो ऐसा नहीं लगता था कि आप किसी अलग धारा में काम कर रहे हैं। वो बच्चों की बच्चों से दिख रहा था, बच्चों के कार्यक्रमों से दिख रहा था, विद्यालय की व्यवस्थाओं से दिख रहा था। ये आपकी मेहनत का परिणाम था। अग्नि शिकासी ज्ञान सी ज्वाला मृदुल प्रीति का प्याला सा यज्ञशाला की संविदा जैसे तपोभूमि की मृग छाला सी वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु द्रोण से परिजात की माला सी चंदन सम सदा सुवासित करुणा की मधुशाला सा धन्य धन्य हम धन्य हुए हैं पा अभिभावक निराला सा। आदरणीय अभिभावक स्वरूप प्रधानाध्यापक इस पिछोर की पीड़ादायी बेला में वाणी मूक है, शब्द मौन और नयन अश्रुपूरित। भग्न हृदय से हम आपको विदा करें तो कैसे करें, आप जैसे वाक्पटु कर्तव्यनिष्ठ संवेदनशील दूरदर्शी साहसी नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण कुशल प्रशासक की सेवाओं से इस विद्यालय को वंचित होना पड़ रहा है। इस अनिर्वचनीय पीड़ा एवं वेदना को आपकी पदोन्नति एवं इच्छित स्थान पर पदस्थापना की ही धीरज दे रहे हैं। धन्यवाद।
सड़क तक जा रहे हैं, विद्यालय परिसर से थोड़ी दूर जा रहे हैं।